हेलो व्यूअर्स टूडे जी के प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है तो चलिए शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से हमने आपसे पूछा था फ्लैग कोड ऑफ इंडिया किस वर्ष में प्रभावी हुआ आपके ऑप्शंस थे ए 2001 में बी 2002 में सी 2003 में या फिर डी 2004 में तो इस सवाल का सही जवाब था ऑप्शन बी दरअसल बीते दिनों फ्लैग कोड ऑफ इंडिया यानी भारतीय झंडा संहिता 2002 में संशोधन किया गया है नए नियम में कहा गया है कि राष्ट्रीय झंडा हथकरघा से या हाथ से बुने हुए सूती पॉलिस्टर ऊन रेशमी खादी से बनाया जा सकता है इससे पहले भारतीय झंडा संहिता 2002 के तहत यह अनिवार्य था कि तिरंगा सिर्फ और सिर्फ हथकरघा से या हाथ से बुने हुए खादी के कपड़े से ही बनाया जाए देश में राष्ट्रीय झंडे या ध्वज के उपयोग प्रदर्शन और फहराने से जुड़े निर्देशों का एक व्यापक सेट बनाया गया है जिसे भारतीय झंडा संहिता 2002 कहा जाता है इसमें निजी सार्वजनिक और सरकारी संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को फहराने संबंधी विवरण है भारतीय झंडा संहिता छब्बीस जनवरी दो से प्रभावी हुई इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की तो हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जागृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है ए महिला सशक्तिकरण के लिए एक योजना बी इसरो का एक नया शुभंकर सी आदिवासी कल्याण योजना या फिर डी उपभोक्ता जागरूकता के लिए एक शुभंकर तो हमारे सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हाल ही में उपभोक्ता मामले विभाग ने जागृति नाम से एक शुभंकर यानी मैस्कॉट लॉन्च किया है इसका मकसद उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है जागृति को एक सशक्त उपभोक्ता के रूप में पेश किया जाएगा जागृति उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाएगी और उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करेगी इस शुभंकर को विभिन्न मीडिया कैंपेन में जागो ग्राहक जागो टैगलाइन के साथ दिखाया जाएगा अगला प्रश्न प्रोजेक्ट सेवेंटीन ए संबंधित है डिस्ट्रॉयर्स से कॉर्बेट से पेट्रोल बोट से या फिर फ्रिगेट से तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी फ्रिगेट्स दरअसल हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में स्टील्थ फ्रिगेट वाई थ्री जीरो टू थ्री दूना गिरी लॉन्च किया इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है इसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी जी द्वारा बनाया गया है ये फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A के तहत चौथा जहाज है और इसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित एक पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है प्रोजेक्ट 17A फ्रिगेट्स प्रोजेक्ट 17 शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स के अनुवर्ती हैं इनमें बेहतर स्टील्थ फीचर्स उन्नत हथियार एवं सेंसर और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम है प्रोजेक्ट 17A के पहले दो जहाजों को क्रमशः 2019 और 2020 में लॉन्च किया गया था इसके अलावा तीसरे जहाज उदयगिरी को इस साल की शुरुआत में मई माह में लॉन्च किया गया था अगला प्रश्न किरु क्वार किर्थाई और पाकलदुल संबंधित है पूर्वोत्तर भारत में जनजातियों से ओडिशा में मछली की प्रजातियों से राजस्थान की पर्वत चोटियों से या फिर जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाओं से तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी जल विद्युत ऊर्जा परियोजनाएं हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ उत्तर भारत का प्रमुख विद्युत केंद्र बनने की ओर अग्रसर है वर्तमान में चल रही विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ये लगभग 6000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा किश्तवाड़ के आसपास के क्षेत्रों में अवस्थित परियोजनाओं में शामिल है एक मेगावाट की पाकलदुल परियोजना छह मेगावाट की किरू परियोजना पांच मेगावाट की क्वार परियोजना और 930 मेगावाट की किरथाई परियोजना ये परियोजनाएं किश्तवाड़ क्षेत्र को उत्तर भारत के सबसे बड़े विद्युत केंद्रों में से एक बनाती है आपको बता दें कि क्वार, किरू और विद्युत परियोजनाएं चिनाब नदी पर विकसित की जा रही हैं, जबकि पाकल दुल परियोजना चिनाब नदी की एक सहायक मरुसुधर नदी पर प्रस्तावित है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कालाजार या ब्लैक फीवर किसके काटने से फैलता है आपके ऑप्शन हैं ए लिशमेनिया डोनोवानी बी फ्लेबोटोमस अर्जेंटिपिस सी एडिस इजिप्टी या फिर डी एडिस तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी हाल ही में पश्चिम बंगाल के 11 जिलों में कालाजार या अंग्रेजी में ब्लैक फीवर के लगभग पैंसठ मामले सामने आए हैं कालाजार लिश्मेनिया डोनोवानी परजीवी से संक्रमित सैन फ्लाई के काटने से फैलता है इसलिए ऑप्शन भी सही आंसर है इसे लीश के नाम से भी जाना जाता है इस रोग में दुर्बलता प्लीहा यानी स्प्लीन और यकृत में सूजन रक्ताल्पता और बुखार आदि लक्षण देखे जाते हैं इसके अलावा कुछ मामलों में त्वचा का रंग काला पड़ जाता है ये रोग कुपोषण जनसंख्या विस्थापन खराब आवास कमजोर इम्यून सिस्टम और वित्तीय संसाधनों की कमी से जुड़ा है हालांकि इसका इलाज किया जा सकता है इसके लिए अच्छे इम्यून सिस्टम की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें दवाएं शरीर से परजीवी को खत्म नहीं कर पाती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर किस शहर को शंघाई सहयोग संगठन यानी एस की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा बीजिंग दुशांबे बिश्केक या फिर वाराणसी तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी एस की एक नई पहल के तहत वाराणसी को एस की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले पवित्र शहर के तौर पर रहा है इस पहल के तहत हर साल बारी बारी से अध्यक्षता करने वाले सदस्य देश के किसी सांस्कृतिक विरासत वाले शहर को ये खिताब दिया जाएगा आपको बता दें कि एस एक स्थायी अंतर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है और इसका मुख्यालय चीन के बीजिंग में है वर्तमान में आठ देशों को एस के पूर्ण सदस्य का दर्जा प्राप्त है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पैसिफिक आइलैंड्स फोरम ये संक्षिप्त में पी का मुख्यालय किस देश में है ए फिजी बी नोरू सी तुवालू या फिर डी वानुआतु तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दरअसल हाल ही में प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देशों के लीडर्स ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है ये देश केरीबाती को प्रशांत क्षेत्र के मुख्य कूटनीतिक समूह पैसिफिक आइलैंड्स फोरम में वापस शामिल करने हेतु सहमत हुए हैं बीते दिनों केरीबाती ने इस फोरम की सदस्यता से बाहर निकलने का ऐलान किया था पैसिफिक आइलैंड्स फोरम प्रशांत क्षेत्र के लिए एक प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति बनाने वाला संगठन है इसकी स्थापना 1971 में हुई थी और इसमें 18 सदस्य देश शामिल है इसका मुख्यालय फिजी के सुवा में है इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है चलिए रुख करते हैं अगले प्रश्न की ओर चोकनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है आपके विकल्प हैं ए तमिलनाडु बी केरल सी आंध्र प्रदेश या फिर डी कर्नाटक तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक हाल ही में मिथिक सोसाइटी बेंगलुरु की टीम को 1500 अभिलेख स्थलों के पुनरीक्षण के दौरान 43 अज्ञात शिलालेख मिले हैं इसमें कर्नाटक में, में बेंगलुरु के डोमलूर में लगभग 800 साल पुराने चोकनाथ स्वामी मंदिर में सात अज्ञात शिलालेख मिले हैं इसलिए विकल्प डी सही है डोमलूर में दसवीं शताब्दी का चोकनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु का मंदिर है जबकि चोकनाथ भगवान शिव का दूसरा नाम है मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु और उनकी पत्नी श्री यानी लक्ष्मी और भू यानी भूमि के चित्रों को उकेरा गया है इन चित्रों को नेपाल से आयात किए गए सालीग्राम पत्थर से उकेरा गया है मंदिर का गर्भगृह एक ऊंचे पूर्व की ओर मुख वाले मंच पर बनाया गया है इससे सूर्य की किरणें गर्मियों और सर्दियों के संक्रांति के दौरान सीधे मुख्य देवता पर पड़ती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं करजन नदी किस नदी की सहायक नदी है ए सिंधु बी बराक सी गोदावरी या फिर डी नर्मदा तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी नर्मदा हाल ही में गुजरात के किसानों के केले की फसल नष्ट हो गई है और किसानों ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में भारी वर्षा के कारण नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में करजन जलाशय से अचानक पानी छोड़े जाने से ये फसलें नष्ट हुई हैं। आपको बता दें कि करजन नदी नर्मदा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है इस नदी का बेसन काफी हद तक आदिवासी बहुल नर्मदा जिले में स्थित है अगला प्रश्न सतत विकास लक्ष्य पंद्रह यानी एस डी संबंधित है जलवायु परिवर्तन से स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न से लैंगिक समानता से या फिर पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण से तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण से सतत विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार उपसहारा अफ्रीका के कम से कम बाईस देशों ने एस 15 के लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है एस 15 दरअसल पृथ्वी पर जीवन के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ से संबंधित है इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है आइए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न बीते दिनों ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की बैठक संक्षिप्त में जीपी 2022 ट्वेंटी आयोजित हुई आपके ऑप्शन हैं ए मलेशिया बी थाईलैंड सी लाओस या फिर डी इंडोनेशिया तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा मुलाकात होगी अगले सेशन में तब तक के लिए जय हिंद